हैप्पी बर्थडे एमी, हैप्पी बर्थडे। उठ गई एमी, आलू खाती है उठ गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 10:45 का टाइम है और अथक तैयार हो रहा है, क्योंकि अथक के स्कूल अब 11 बजे के हो गए, लेकिन इसकी बस आ जाती है, वैन, मतलब 10 बजे आ जाएगी, 10:15 बजे, तो 1 घंटे पहले ही आ जाती है वैन। इसका टिफ़िन वगैरह तैयार कर दिया है। शिप्रा जा चुकी है, उसका जल्दी टाइम है, उसका 9 बजे का टाइम है। क्षितिज और शिप्रा अभी 9 बजे जाते हैं, और अब जागृति भी जाएगी बस खाना बना के, तो ये सब निकलेंगे। उसके बाद देखें कि मैं क्या करती हूँ ब्लॉग में आगे। तो इसका टिफ़िन भी हो गया है तैयार, और ये भी हो रहा है तैयार,
और सुबह की तो बस यही दिनचर्या रहती है, सभी का जाना आना लगा रहता है। उसके बाद मैं जब खाली होती हूँ तो अपना कुछ काम करती हूँ, तो बाद में मैं अपना काम करूँगी। तो आज मैं अपनी अलमारी जमाऊँगी, बहुत दिनों से फैल रही है और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि इसको जमा लूँ जमा लूँ, क्योंकि कपड़े सारे जैसे ही निकालती हूँ तो मेरे ऊपर आके गिरते हैं। तो जयपुर गई थी तब भी मैं कुछ फैला के चली गई थी, थोड़ी बहुत साड़ियाँ लेके गई थी, तो मैंने ऐसे ही जैसे तैसे इसमें रखती थी साड़ियाँ। और बाहर से जो भी कोई साड़ी आती है या कुछ आती है तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ और इसको बस जमाने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो आज मैंने सोचा बस ये काम निकाल ही लेते हैं। जो अलमारी है बहुत दिनों से फैल रही है और ये फ्रिज के ऊपर का सामान भी बहुत फैल रहा है और करने की हिम्मत ही नहीं होती है। सब चले जाते हैं, जाने वाले तो सब चले जाते हैं अपने अपने काम से, पर ये जो पीछे के काम रह जाते हैं मेरे, वो मैं करती रहती हूँ। तो बस आज मैं अलमारी जमा रही हूँ और मैंने कुछ जो बास्केट होती हैं वो मैंने अमेजोन से मंगवाई थी और मेरे बहुत छोटी आ गई थी वो, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या काम लूँ। किचन में भी रख के देख ली बहुत सी चीज़ें लेकिन ये जची नहीं मेरे को, तो आज दिखाती हूँ। इसमें मैंने सारे ब्लाउज सेट कर दिए हैं बास्केट में, इससे क्या होगा कि जो मेरी छोटी सी ये छोटी जगह है यहाँ पे अलमारी में, बिल्कुल छोटी जगह है ये, तो यहाँ पे ये सारी बास्केट आ जाएंगी। तो दिखाती हूँ कैसे सेट किया है मैंने। तो ये देखिए, मैंने सोचा था बड़ी बास्केट आएंगी लेकिन ये छोटी बास्केट आ गई। मैंने और अथक ने मंगवाई थी अमेज़ोन से ही मंगवाई थी शायद, तो ये 300 रुपये की आई थी, 299 की। तो इनमें मैंने क्या किया है, ब्लाउज सेट कर दिए हैं। जो साड़ियाँ मैं अब पहनती नहीं हूँ उनके सारे ब्लाउज सेट करके और रख दिए हैं, बिल्कुल छोटी तह करके मैंने इनको रख दिए हैं। तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो ऐसे मिल जाएंगे मेरे को, जो भी मुझे साड़ी पहननी होगी अगर कोई। वैसे तो ये सब साड़ियाँ बिना पहनने की साड़ियों के साथ ही हैं, क्योंकि सारी भारी साड़ियों के साथ के ब्लाउज हैं, तो इनको मैंने रख दिए हैं। अब ये छोटी बास्केट है इसलिए उस ड्रॉयर में आ जाएंगी। और कुछ ऐसे कार्टन बॉक्स जो पड़े रहते हैं हमारे पास उसमें कुछ डाल दिए। तो ब्लाउज बहुत सारे हैं और जब साड़ी मैं निकालती हूँ पहनने की तो मुझे मिलते नहीं हैं, ये इतने सारे हैं तो आके सारे गिरते हैं अलमारी से निकालती हूँ तब, तो मैंने इस तरह से रख दिए हैं। अब इनको मैं रख दूँगी, एक बास्केट निकाली और उसमें से देख लिया ब्लाउज, ऐसे करके देख लूँगी कि किस में से मुझे चाहिए ब्लाउज। तो मेरे सारे ये कपड़े हैं जो बिखरेंगे नहीं, इस कारण मैंने इनको ऐसे रख दिया है और अब मैं एक एक करके सारे अलमारी के अंदर जमा दूँगी। ये सारी साड़ियाँ मैंने यहाँ रख दी हैं जो डेली यूज़ में मैं काम लेती हूँ, और कुछ बुक्स वगैरह हैं मेरी जो मैं पढ़ती हूँ या कुछ लिखती हूँ तो ये मेरे पड़ी हैं, या कोई मेरी पूजा करनी होती है तो मैंने अपनी करवा चौथ वगैरह की सब यहाँ पे रख रखी हैं जो मुझे टाइमली मिल जाती हैं। बाकी इस ड्रॉयर में मैंने ये सारी ऐसी साड़ियाँ जो मैं पहनती नहीं हूँ अब, ये चूड़ियाँ सारी रख रखी हैं मैंने इसमें, और कुछ मैंने हैंगर में लगा दी हैं कुछ, और कुछ भारी साड़ियाँ मेरी इसमें रखी हैं। यहाँ पे मैं ब्लाउज की बास्केट रख दूंगी। तो ये देखिए सारी बास्केट यहाँ पर आ गई हैं और अब मुझे जो भी ज़रूरत होगी मैं एक बास्केट निकाल के और निकाल लूँगी, तो इस तरह से ये गिरेंगे नहीं, नहीं तो जैसे ही मैं लेती थी वैसे मेरे ऊपर आके गिरते थे सारे कपड़े। तो ये थोड़े से जम गए हैं इस तरह से।
तो ये जो थैले बहुत आते हैं हमारे घरों में, बहुत सबों के ही आते हैं, साड़ी में, किसमें, अभी ये कोई संक्रांत में आ गया था मेरे किसी सामान में, तो मैंने सोचा इसको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। और ब्लाउज इतने ज़्यादा हैं मेरे पास, जितनी साड़ियाँ हैं उतने ही ब्लाउज हैं, तो कुछ ब्लाउज मैं इसमें रख दूँगी और इसको अलमारी में रख दूँगी। जो ज़रूरत की साड़ियाँ नहीं हैं, जो अभी पहनने की नहीं है, वो सारी मैंने इस तरह से रख दी हैं ब्लाउज, और जब भी मुझे पहननी होंगी तो मैं निकाल लूँगी इनको, आराम से निकाल लूँगी। तो इसको मैं रख दूँगी अलमारी के अंदर। ये इसमें मैंने रख दी हैं रुमाल वगैरह हैं, तो ये जेंट्स रुमाल है, लेडीज़ रुमाल है, तो ये चीज़ें हमें कई बार क्या है मिलती नहीं है, तो आज मैंने पूरा ही सेट कर दिया है अपनी अलमारी को, जिससे मुझे टाइमली कोई चीज़ मिल जाए। तो रुमाल इसमें रखती हैं, और ये श्रृंगार का सामान है जो कुछ अभी संक्रांत में भाभियों ने भेजा था, तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, चार भाभी हैं मेरी, तो इसको भी मैं अलमारी में रख दूंगी, क्योंकि इधर उधर रखने से क्या है कि मिलता नहीं है, और इसमें से मुझे जो ज़रूरत होगी वो चीज़ मैं निकाल लेती हूँ। तो इन चीज़ों को भी मैं उसमें डाल दूंगी, थोड़ी सी जगह रही है मेरी अलमारी में, उधर रख दूंगी इसको मैं। ये देखिए सभी चीज़ें आ गई, ये थैला था जो भी काम आ गया, ये श्रृंगारदान का है सामान, जो इसमें रुमाल आ गए और इसमें सारे ब्लाउज आ गए, तो ये सारा एक साथ जम गया, और अब मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी इन चीज़ों को निकालने में। तो इस तरह से मेरी अलमारी पूरी जम गई है, और जो जितनी कम जगह थी मेरे इस जो लॉकर में, बिल्कुल कम जगह थी जिसमें मेरे सारे ब्लाउज गिरते थे, मतलब पेटीकोट ब्लाउज, वो ही सारे ऑर्गेनाइज करके रख दिए मैंने इन बास्केट में, तो सारे ही आ गए इसमें, और अब गिरने की कोई ऐसी नहीं रही कि भाई गिर जाएंगे निकालते ही, सारे छोटी जगह में आ गए। तो ऑर्गेनाइज़र कोई भी आपके घर में पड़ा हो उसमें आप रख सकते हैं छोटे कपड़ों को, और इस तरह से अपनी कम जगह को ही मतलब ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं कम जगह में ही। तो इस तरह से आज मेरी अलमारी जम गई, और मुझे बहुत ही मतलब मन को शांति हुई कि अलमारी जम गई, एक ही अलमारी में बहुत से कपड़े आ गए और बहुत सी चीज़ें। तो आज की वीडियो में आपने देखा मैंने अलमारी को कैसे जमाया, बहुत दिन से सोचा हुआ काम था और बहुत फैली हुई थी, और बस डर लग रहा था कि इसको कैसे जमाऊँ। तीनों एक कमेंट आया था कि आप इतना काम क्यों करती हैं, तो ये काम तो मेरे ही हैं पीछे से करने के, इसलिए आप लोग इस चीज़ को माइंड ना करें कोई कि मैं क्यों इतना काम करती हूँ, ये मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी थी ये बात मुझे, मैं फिर कह देती हूँ कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी कि मैं काम ज़्यादा क्यों करती हूँ, अगर काम हम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ये सोचिए कि जब तक शरीर चलता है, जब तक हम काम करते रहते हैं, जब तक हम जिंदा रहते हैं, यदि हम काम छोड़ देते हैं तो हम जिंदा नहीं रह पाते। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं बिजी रहूँ, क्योंकि मेरा दुख आप जानते हैं कि कितना बड़ा दुख से गुजरती हूँ मैं, रोज़ गुजरती हूँ इस दुख से, और मेरी बेटी गुजरती है इन दुखों से, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना चाहती हूँ, इस वजह से मैं काम करती हूँ, और काम करने से मेरा शरीर सही रहता है, मेरा मन लगा रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।